कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। उस टाइम वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और आपस में जरूरी बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। अब यहाँ पर हमें उनके नाम भी पता चलते हैं। अब उनमें से जो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान था उसका नाम था डंबलडोर और जो दूसरा था यानी जो इतना अच्छा नहीं था जितना कि पहले वाला था उसका नाम होता है ग्रिंडेलवाल्ड। अब यहाँ पर वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा था और यहाँ पर डंबलडोर उसे इसी बारे में समझा रहे थे कि देखो जो भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, इसीलिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, छोड़ दो ये सब। तब ये सुनकर ग्रिंडेलवाल्ड डंबलडोर से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ तुम इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हो, मैं वही तो कर रहा हूँ जिसका ड्रीम कभी हमने देखा था जिसे हम पूरा करेंगे, यानी कि मैं किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ, एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी मगलू ना पाया जाता हो। अब अपने जवाब में ग्रिंडेलवाल्ड यही कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मगलू कौन है। असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और ये दुनिया आम दुनिया के सामने नहीं होती बल्कि वो सीक्रेट होती है, आम दुनिया से छुपी होती है। और जो इंसान इस दुनिया में इन्हीं जादू की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना ना जानता हो या फिर जादू के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, तो ऐसे इंसान को ही मगलू कहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कुछ टाइम के बाद जहाँ पर हम डंबलडोर को देखते हैं और उस टाइम उन्होंने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट बिल्कुल भी नहीं था बल्कि ये लॉकेट तो खास था जिसको डंबलडोर ने और ग्रिंडेलवाल्ड ने मिलकर बनाया था कुछ टाइम पहले ही। ये लॉकेट असल में उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें उन दोनों का खून था। जब वो यंग थे तो उन्होंने एक ओथ ली थी, एक कसम दी थी, वो भी अपने खून के जरिए। उनकी कसम ये थी कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। और इस ओथ का, इस कसम का एक रूल था कि अगर किसी ने भी आगे जाकर इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो ये लॉकेट उनके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें ही मारने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए डंबलडोर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो और इसीलिए वो चाहते थे कि ग्रिंडेलवाल्ड कोई भी गलत काम ना करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्यूट होता है। उस टाइम वो जंगलों में होता है क्योंकि यहाँ पर वो एक क्रिएचर को ढूंढने आया था और वो क्रिएचर कोई आम क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो तो जादुई क्रिएचर था। वो जादुई क्रिएचर इसीलिए था क्योंकि उसमें खास किस्म की पावर्स थी और वो ये कि अगर उस क्रिएचर के खून को इंसानी खून के साथ मिला दिया जाए तो जिस इंसान के ब्लड को मिलाया गया होगा उसका फ्यूचर देखा जा सकता है, यानी आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तब यहाँ पर ढूंढते हुए न्यूट को एक क्रिएचर क्वीन मिल ही जाती है और उस टाइम उस क्रिएचर क्वीन का एक बेबी होता है। ठीक उसी टाइम पर वहाँ एक और लड़का आ जाता है जो कि असल में एक शिकारी होता है और वो वहाँ पर अकेला नहीं आया होता बल्कि उसके साथ उसके साथी भी आए होते हैं। बाद में हम ये जान पाते हैं कि असल में ये शिकारी ग्रिंडेलवाल्ड के लिए काम करता है। ये शिकारी वहाँ पर असल में उस क्रिएचर को मारने आया था। अब यहाँ पर आने के बाद वो उस क्रिएचर क्वीन को मारता तो है और साथ ही साथ उसकी कोशिश होती है कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो जो बहादुर लड़का होता है न्यूट उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो उस शिकारी से उस क्रिएचर क्वीन के बच्चे को बचा ले और इसी वजह से न्यूट उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से भागता है। जब शिकारी और उसके साथी भी न्यूट का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं। न्यूट को पकड़ने के बाद वो उसे जख्मी कर देते हैं और उससे उस क्रिएचर क्वीन का बच्चा भी ले लेते हैं। इसके बाद न्यूट उठता है और सीधा उस क्रिएचर क्वीन के पास आता है, लेकिन जो न्यूट अपने सामने देखता है वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा भी है, यानी इसका मतलब ये है कि उस क्रिएचर क्वीन ने एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा किए थे। अब न्यूट क्रिएचर क्वीन के उस दूसरे बच्चे को अपने सूटकेस में डाल लेता है। उस सूटकेस में पहले से कुछ क्रिएचर्स मौजूद थे जो किसी एक दुनिया से नहीं आए थे बल्कि वो अलग अलग दुनिया से थे। उन्हीं क्रिएचर्स में होता है एक ड्रैगन जो कोई छोटा मोटा नहीं होता बल्कि वो काफी बड़ा होता है साइज में और इसी वजह से वो न्यूट को अपने साथ उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। उधर हम देखते हैं उस शिकारी को जो कि क्रिएचर क्वीन के उसी बच्चे को जिसे उसने चुराया था उसे जाकर वो ग्रिंडेलवाल्ड के हवाले कर देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिंडेलवाल्ड अच्छा इंसान नहीं है, वो काफी बेरहम है, इसीलिए वो उस क्रिएचर क्वीन के छोटे से बच्चे का गला काट देता है और उस बच्चे के खून में अपना खून मिलाता है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके। और वो करता भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपना फ्यूचर उसमें देखता है। उधर हम देखते हैं न्यूट को जो कि अपने भाई को लेकर डंबलडोर से मिलने आता है। यहाँ पर डंबल
डंबलडोर उन्हें वही लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं कि ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये हमने खुद बनाया है, यानी मैंने और ग्रिंडलवाल्ड ने, क्योंकि इसमें हम दोनों का खून है। इसीलिए यही वजह है कि चाहते हुए भी मैं इस लॉकेट को खुद से तो तोड़ नहीं सकता। अब उन दोनों भाइयों को, इन्हें न्यूट को और उसके भाई को डंबलडोर की इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कोई लॉकेट इतना मजबूत हो सकता है कि उसे कोई इंसान तोड़ ही ना सके। तब इस बात को प्रूफ करने के लिए डंबलडोर उनके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, यानी वो उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि डंबलडोर ने ओथ को, कसम को तोड़ने की कोशिश की थी, तो इसीलिए वो लॉकेट उनके ही खिलाफ होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहाँ पर डंबलडोर की बात सच हो गई थी, तो इसीलिए वो उन दोनों भाइयों से उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ग्रिंडलवाल्ड को रोकने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर न्यूट और उनका भाई उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम उसी शिकारी को देखते हैं जो कि उस टाइम कुछ अपसेट नजर आ रहा था, क्योंकि असल में उसने जो किया था उसे उसकी गलती का पछतावा था, यानी कि जो उसने क्रिएचर क्वीन की बेबी को चुराया था। इसलिए यहाँ पर वो शिकारी अपने शीशे के सामने खड़ा होता है और उसके शीशे पर ये लिखा होता है, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अगले ही सीन में हम एक बेकर को देखते हैं, यानी जो एक बेकरी को आया करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस बेकर की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, जो कि अब ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम करती थी, और जब से वो ग्रिंडलवाल्ड से मिली थी वो तभी से अपनी फ्रेंड इन्हीं बेकर से नहीं मिली थी। यहीं पर उस बेकर से मिलने एक प्रोफेसर आती है, जो पहले तो उस बेकर से थोड़ी बहुत बात करती है और बाद में खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ पर ये दोनों टेलीपोर्ट होती है, वो असल में एक ट्रेन होती है और इस ट्रेन में न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं, और उनके साथ साथ वहाँ पर दो और लोग भी थे जो कि असल में न्यूट के ही साथी थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था, और ये दोनों यहाँ पर डंबलडोर के कहने पर आए थे, यानी इन दोनों को डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। अब जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो न्यूट उन सबसे कहता है कि ग्रिंडलवाल्ड के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो तो ये सब कुछ पहले ही देख चुका है, और इसीलिए अब हमें उसके खिलाफ ऐसे लड़ना है कि हमें कोई प्लान नहीं बनाना है। न्यूट उन सभी को वो सारे गिफ्ट देता है जो डंबलडोर ने उसको दिए थे इन सभी लोगों को देने के लिए। अब यहाँ पर जो बेकर होता है उसे मिलती है एक मैजिकल स्टिक। हालांकि वो बेकर मगलू था, इन्हें उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था, लेकिन फिर भी डंबलडोर ने उसे गिफ्ट दिया था। और जो न्यूट का भाई होता है उसे मिलती है एक जादुई टाई, और जो न्यूट की साथी होती है उसे एक पेपर मिलता है। और अब जैसे न्यूट की साथी उस पेपर को पढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कि वो पेपर जल जाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो भी कोई आम पेपर नहीं था, बल्कि जादुई पेपर था। जो फीमेल प्रोफेसर होती है उसको डंबलडोर की तरफ से एक बुक मिलती है। अब यहाँ पर न्यूट का साथी बोलता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, और यहाँ पर जो न्यूट का साथी होता है वो बाकियों के साथ नहीं जाता, बल्कि वो उन सबसे अलग होकर जाता है, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था कि वो ग्रिंडलवाल्ड पर नजर रखे। और जो न्यूट की साथी होती है वो न्यूट का वही वाला सूटकेस लेकर उसे अलग हो जाती है, यानी वही सूटकेस जिसमें उस क्रिएचर क्वीन का बेबी था। जबकि बाकी लोग मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं, और ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है। यहाँ पर न्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफी अमीर होता है, यानी कि इस पूरी जादुई दुनिया का ये लीडर होता है। यहाँ पर वो अमीर आदमी न्यूट को डंबलडोर की तरफ से दिया गया एक मैसेज उसे देता है कि तुम किसी के भी कहने पर मत चलना, हमेशा उसी का साथ देना जो ठीक है। लेकिन बाद में हमें यहाँ पर अंदर की बात पता चलती है, और वो ये कि ये अमीर आदमी भी ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से वो ग्रिंडलवाल्ड के हक में एक काम करता है, और वो ये कि वो ग्रिंडलवाल्ड के ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को खत्म कर देता है। और ये चार्जेस ग्रिंडलवाल्ड पर इसीलिए लगे हुए थे क्योंकि जितने भी मगलूस थे वो उन सभी से नफरत करता था, उन्हें अच्छा नहीं समझता था। यहाँ पर वो अमीर आदमी कुछ जादूगरों के नाम भी सिलेक्ट करता है, यानी ये लोग अगले होने वाले इलेक्शंस में खड़े होंगे। अब इसी दौरान न्यूट का भाई एक लड़की को वहाँ पर देखता है, और ये लड़की भी असल में ग्रिंडलवाल्ड के लिए ही काम करती थी। और यही बात सोचकर न्यूट का भाई उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो न्यूट के भाई को पकड़ लेती है। और यहाँ पर न्यूट और उसके बाकी साथी चाहते हुए भी अपने साथी को बचा नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि डंबलडोर, न्यूट और बाकी
साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि न्यूट की भाई को कहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर डंबलडोर उस बेकर और उस प्रोफेसर को मैजिक ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें न्यूट की वही साथी दिखाई जाती है जिसके पास सूटकेस था और वो सीधा एक वर्कर के पास जाती है और वो उस वर्कर को 6 सूटकेस बनाने के लिए कहती है जो बिल्कुल न्यूट के सूटकेस जैसे ही होने चाहिए ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और किसी को भी पता ना चले कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है। उधर न्यूट का जो मेल साथी होता है वो सीधा जाता है ग्रिंडोवेल्ड के पास उसे मिलने के लिए, यानी वो वाला साथी जिसे ग्रिंडोवेल्ड पर नजर रखने के लिए कहा गया था। वहाँ जाने के बाद न्यूट का साथी ग्रिंडोवेल्ड से कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? असल में मुझे यहाँ पर डंबलडोर ने भेजा है आप पर नजर रखने के लिए। उसकी बात सुनकर ग्रिंडोवेल्ड को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसका माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी कह रहा है सच है, यानी डंबलडोर ने ही इसे यहाँ पर भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन साथ साथ ग्रिंडोवेल्ड को ये बात भी पता चल जाती है कि न्यूट का ये जो साथी है ये अपनी मरी हुई बहन को अभी तक नहीं भूला और उसकी बहन भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रिंडोवेल्ड की वजह से ही मरी थी। इसीलिए ग्रिंडोवेल्ड यहाँ पर एक चलाकी करता है, वो अपना मैजिक यूज करके उसकी माइंड से उसकी बहन की सारी यादें सारी बातें मिटा देता है ताकि उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी याद ना आए, जिसकी वजह से वो ग्रिंडोवेल्ड से नफरत करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम डंबलडोर को देखते हैं और उसे मारने के लिए ग्रिंडोवेल्ड ने एक आदमी को भेजा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी होता है इन्हें जिसने क्रिएचर को इनके बच्चे को चुराया था और उसे अपनी गलती का पछतावा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डंबलडोर भी काफी समझदार है, उन्हें इस बारे में तो पहले ही पता चल चुका होता है और इसीलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगा कर बड़ी चलाकी से उस शिकारी को एक दूसरी जगह पर ले आते हैं। इस जगह पर कोई भी नहीं था इसीलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन डंबलडोर उस शिकारी की निस्बत काफी ताकतवर थे इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से उस शिकारी को हरा देते हैं। उसे हराने के बाद डंबलडोर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो क्योंकि ग्रिंडोवेल्ड तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें वो कंट्रोल कर रहा है और क्या तुम जानती हो कि तुम हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हो? लेकिन हाँ, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था आज से पहले। ये कहने के बाद डंबलडोर उसे वापस से अपनी असली दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं। उधर हम देखते हैं न्यूट को जो कि उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे डंबलडोर ने जाने के लिए कहा था जो कि असल में एक जेल होती है। लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही जेलर एक चलाकी करता है, वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट्स जो कि डंबलडोर ने उसे दिए थे वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर आने के बाद फाइनली न्यूट अपने भाई को ढूंढ लेता है, जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी वो उसकी रस्सियों को खोलता हुआ उसे आजाद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते अचानक से वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट होता है वो क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ जानता था इसीलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिएचर से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी न्यूट और उसका भाई किसी तरह करके खुद को उस क्रिएचर से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद न्यूट किसी तरह करके अपने सारे मैजिकल गिफ्ट्स फिर से हासिल कर लेता है और अब जैसे ये सारे लोग उस टाई को टच करते हैं तो ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग जगह पर आ जाते हैं। सीन चेंज होकर जाता है दोबारा से मिनिस्टर की मैजिक ऑफिस में और उस टाइम वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। यहीं पर वो बेकर और प्रोफेसर भी आए होते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रिंडोवेल्ड भी आते हैं और उसके साथ बेकर की दोस्त भी आती है जो कि ग्रिंडोवेल्ड के साथ मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बेकर की दोस्त उसकी तरफ देखती भी नहीं और उसका ऐसा बिहेव देखकर उस बेकर को दुख भी होता है और काफी बुरा भी लगता है उसे। इस पार्टी में वो कैंडिडेट्स भी आए हुए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, उनमें से जो सबसे सीनियर होती है वो एक लड़की होती है और उसे मारने के लिए ग्रिंडोवेल्ड उसके पास एक वेटर को भेजता है ड्रिंक देकर और उस ड्रिंक में जहर मिला होता है। लेकिन जो प्रोफेसर होती है उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और इससे पहले कि वो लड़की उस जहर वाले ड्रिंक को पीती प्रोफेसर अपनी मैजिक से उसे उससे दूर फेंक देती है। तब ये देखकर इसी दौरान वो बेकर जल्दी से अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और वो उस स्टिक को ग्रिंडोवेल्ड की तरफ कर देता है ये बताने के लिए ये सब कुछ इसने किया है। अब ये देखकर वो सारे लोग बेकर को ही गलत समझने लगते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये बेकर ग्रिंडोवेल्ड को मारने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर वो प्रोफेसर खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके वहाँ से कहीं और ले जाती है। ये दोनों अब एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डंबलडोर न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर न्यूट और उसके भाई को एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि जो बेकर है वो इनोसेंट नहीं है बल्कि वो एक किलर है क्योंकि
आज उसने ग्रिंडलवाल्ड को मारने की कोशिश की है। जब डंबलडोर अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि असल में ग्रिंडलवाल्ड भी अब एक कैंडिडेट बन चुका है, यानी कि वो भी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेगा, ये कहते हुए डंबलडोर उन सभी को एक किंगडम दिखाते हैं और यही वो जगह थी जहाँ पर अब वाले इलेक्शंस होने थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग डंबलडोर के भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर डंबलडोर अपने भाई को एक बात बताता है जो कि वो आज से पहले नहीं जानता था। वो कहता है कि वो जो शिकारी है ना, वो तुम्हारा बेटा है और ये बात हम आज से पहले नहीं जानते थे। अब ये बात सुनने के बाद डंबलडोर का भाई बहुत हैरान होता है क्योंकि उन्हें तो इस चीज का अंदाजा तक नहीं था। फिर न्यूट को शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखता है, वहाँ पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू कम टू होम। अब ये बात न्यूट को अजीब लगती है, इसीलिए वो ये बात जाकर डंबलडोर को बताता है। डंबलडोर उसकी बात सुनकर उसे कहते हैं कि ये असल में एक मैसेज है और ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है। ये मैसेज हमारे लिए उसी शिकारी ने भेजा है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है और वो ये कि वो शिकारी बहुत जल्द मरने वाला है क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है और वो परिंदा सिर्फ उसी इंसान के आसपास रहता है जिसकी बहुत जल्द मौत होने वाली होती है। आगे बातें करते हुए डंबलडोर अपनी बहन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बात आज से तकरीबन काफी सालों पहले की है। हुआ ये था कि मेरी और मेरे भाई की किसी बात को लेकर बहस हो गई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लड़ाई में बदल गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे पर छड़ी से अटैक करने वाले थे और ये छड़ी भी कोई आम छड़ी नहीं थी बल्कि जादुई छड़ी थी। लेकिन तभी बदकिस्मती से हमारी बहन वहाँ से गुजर रही थी, जिसकी वजह से हमारा वो अटैक जो एक दूसरे को लगना था वो हमारी बहन को लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम अपनी बहन की मरने की वजह से बहुत दुखी थे और उसकी मौत को हम आज तक नहीं भुला पाए और बस तभी से लेकर आज तक मेरा भाई और मैं एक दूसरे से बात नहीं करते। उधर ग्रिंडलवाल्ड अपने जादू से दोबारा से क्रिएचर क्वीन के उसी बच्चे को दोबारा से जिंदा कर लेता है जिससे पहले उसने गला काट के मार दिया था। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ग्रिंडलवाल्ड को ये बात भी पता चल जाती है कि उस क्रिएचर क्वीन के उस दिन एक नहीं दो बच्चे हुए थे, यानी क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा भी है, यानी वही बच्चा जिसे न्यूट उठाकर ले गया था। लेकिन उस दिन की लड़ाई में उस शिकारी को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्रिएचर क्वीन का कोई दूसरा बच्चा भी है जिसे न्यूट अपने साथ ले गया है। अब इस बात की वजह से ग्रिंडलवाल्ड उस शिकारी पर बहुत गुस्सा करता है। वो उस पर हमला करते हुए उसे कहता है कि देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, आखिर तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा भी है और न्यूट उसे अपने साथ ले गया है। और हाँ बात सुनो, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह करके डंबलडोर को मारना होगा और हाँ सुन लो, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उधर न्यूट की साथी पांच और सूटकेस लेकर आती है, यानी कि जो उसने उस वर्कर से बनवाए थे जो सेम टू सेम न्यूट की सूटकेस जैसे थे। और वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है, यानी वो वाला सूटकेस जिसमें उस क्रिएचर क्वीन का बच्चा है। उधर डंबलडोर अपने साथियों से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह करके क्रिएचर क्वीन के इस बच्चे को सही सलामत इलेक्शन वाली जगह पर ले जाना है क्योंकि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की सिर्फ सोल्स देखकर ही ये बात बता सकता है कि आखिर कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है। और ये क्रिएचर जिस भी इंसान के सामने जाकर झुक जाएगा तो उसी इंसान को बगैर कोई सवाल किए जादुई दुनिया का लीडर बना दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड के पास भी क्रिएचर क्वीन का एक बच्चा है, तो अब वो अपने जादू से उस क्रिएचर क्वीन के बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेगा और खुद लीडर बनने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। इसीलिए डंबलडोर चाहते थे कि क्रिएचर क्वीन का ये बच्चा इलेक्शन वाली जगह पर जरूर पहुंचे क्योंकि असली क्रिएचर ये बात बता सकता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है और कौन सा इंसान इस काबिल है जिसे लीडर बनाया जाए। और जब वो सभी लोग अपना अपना एक एक सूटकेस लेकर टेलीपोर्ट होकर इलेक्शन वाली जगह पर आते हैं, इसी दौरान उस प्रोफेसर और न्यूट के भाई को ग्रिंडलवाल्ड के लोग देख लेते हैं। ग्रिंडलवाल्ड के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, इसी बीच उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के लोग तादाद में काफी ज्यादा थे इसीलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और भी इसी बीच वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे उनके सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से निकलती हैं कुछ मैजिकल बॉल्स और वो मैजिकल बॉल्स एक एक करके ग्रिंडलवाल्ड के सभी लोगों पर फटने लगती है।
इसी सब के दौरान उस बेकर का सूटकेस भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो सूटकेस खाली होता है, यानी उसमें तो कुछ भी नहीं होता। अब इसी दौरान बेकर की वो फ्रेंड जो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल गई थी, वो बेकर से मिलने आती है और वो उस बेकर से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और ग्रिंडलवाल्ड के साथ शामिल हो गई थी। अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर प्रोफेसर और न्यूट के भाई के पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है न्यूट के उसी साथी की, यानी जिसने ग्रिंडलवाल्ड को सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर आकर वो अपने साथियों को बचाता है और उन सभी को हरा देता है, क्योंकि अभी भी वो डंबलडोर के लिए ही काम करता है, उसी के साथ है और उसने उस दिन ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने का छोटा मोटा ड्रामा किया था। उधर न्यूट भी अपने हिस्से का सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी उसके सामने आती है, उस पर अटैक करती है, उसे बेहोश करके उससे उसका सूटकेस ले लेती है। और अब अगले ही सीन में जैसे ही न्यूट को होश आता है तो वो औरत वापस से उसके पास आती है और उसे उसका सूटकेस वापस लौटाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, न्यूट जैसे ही उस सूटकेस को पकड़ता है वो सूटकेस जल जाता है। अब इसी सब के बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड ने एक चालाकी की है। असल में वो यहाँ पर अपने साथ क्रिएचर क्वीन का जो बच्चा लाया होता है वो उसकी मदद से खुद को इलेक्शन में जितवा चुका होता है, यानी कि अब ग्रिंडलवाल्ड ही जादुई दुनिया का लीडर है। और अब जाहिर सी बात है जब वो लीडर बन गया है तो सभी उसकी बात मानेंगे, और लीडर बनते ही वो सबसे पहले उस बेकर पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि इसे मत छोड़ो, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। साथ ही साथ वो उस पर अपने जादू से भी हमला करता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और वो ग्रिंडलवाल्ड के जादू से उस बेकर की जान बचा लेती है। अब ठीक उसी टाइम वहाँ पर शिकारी भी आ जाता है और वो सभी लोगों को कहता है कि मैं आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ। असल में जो ग्रिंडलवाल्ड है ना, एक धोखेबाज इंसान है, क्योंकि इसके पास क्रिएचर क्वीन का जो बच्चा है वो असली क्रिएचर नहीं है। इतनी ही देर में न्यूट की साथी भी अपने फाइनल सूटकेस के साथ वहाँ पर आती है, यानी कि असली सूटकेस जिसमें क्रिएचर क्वीन का वो बच्चा था। अब हम यहाँ पर बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, क्रिएचर क्वीन का वो बच्चा जाकर डंबलडोर के सामने झुक जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि डंबलडोर ही एक अच्छा इंसान है, वो ही इस काबिल है कि अगला लीडर वो ही बने। तब ये देखकर डंबलडोर उस क्रिएचर से कहता है, तुमने मुझे चूज किया है, मुझे इस काबिल समझा है कि अगला लीडर मैं ही बनूं। तो चलो तो मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर मेरे अलावा कोई और ऐसा इंसान है जो अच्छा हो और लीडर बनने के काबिल हो। अब डंबलडोर की ये बात सुनकर वो क्रिएचर उस जादूगरनी के आगे जाकर झुक जाता है, यानी वही जादूगरनी जिसने उस बेकर की जान बचाई थी। और अब यहाँ पर इस जादूगरनी को जादुई दुनिया की अगली लीडर बना दिया जाता है। अब ये सब कुछ देखकर ग्रिंडलवाल्ड को बहुत बुरा लगता है, उसे काफी गुस्सा आता है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने जादू से उस शिकारी पर अटैक कर देता है। इस हमले की वजह से वो शिकारी काफी कमजोर हो जाता है और काफी जख्मी भी। और अब यहाँ पर डंबलडोर और उसका भाई उस शिकारी की जान बचाने के लिए कुछ स्पेल्स यानी मैजिकल वर्ड्स का हमला करते हैं, जिससे होता यह है कि वो मैजिकल वर्ड्स आपस में ही टकरा जाते हैं। और अब ऐसा होते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उनका वो लॉकेट भी टूट जाता है, यानी जिस पर डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड की ब्लड ओथ हुई हुई थी, यानी कि अपने अपने खून से जो कसम उन्होंने ली थी वो यहाँ पर आज टूट जाती है। और अब यहाँ पर डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं, यानी कि जो चीज वो आज तक नहीं कर पाए थे। और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों रुक जाते हैं, और तभी इस लड़ाई को यहीं पर ही खत्म करके डंबलडोर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ग्रिंडलवाल्ड उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना पहले करते थे। तब उसकी बात सुनकर डंबलडोर उसे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहने के बाद डंबलडोर वहाँ से चले जाते हैं। अब बाद में ग्रिंडलवाल्ड भी वहाँ से जाने लगता है। उधर डंबलडोर का भाई भी उस शिकारी को कबूल कर लेता है कि ये मेरा बेटा है, और यहाँ पर वो शिकारी काफी जख्मी होता है, वो मरने वाला होता है। तो यहाँ पर डंबलडोर का भाई सबसे पहले उस शिकारी से माफी मांगता है और बाद में उसे अपने घर लेकर जाता है। अगले सीन में हम उस बेकर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिनकी अब शादी हो गई थी और वो दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहीं पर न्यूट से मिलने एक लड़की आती है जो कि असल में इन्हीं की साथी थी, और उनको दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर